Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो guys, आज हम लोग ना नई सीरीज शुरू करने वाले हैं. मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई, माइकल एक बहुत गरीब आदमी से कैसे एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बना. आज से हम ये वाली सीरीज गाइज इस चैनल पे शुरू करने जा रहे हैं. आप लोगों को गाइज ये वाली सीरीज कैसी लगी मुझे बताना जरूर कमेंट करके. यार आप लोगों को मतलब ऐसी सीरीज देखनी है जिसमें माइकल एक बहुत गरीब हुआ करता था. मतलब माइकल एक बहुत गरीब आदमी से कैसे इतना बड़ा गैंगस्टर बना लॉस सैंटोस का, वो चीज़ें आप लोग को देखनी है तो मुझे कमेंट करके गाइज जरूर बताना. तो भाई साहब, आज यार सुबह सुबह भाई मैं ऐसे ही उठ के आया और देखा कि भाई आज सुबह सुबह ना न्यूज़पेपर आया. ठीक है, तो भाई पीछे ही मैंने न्यूज़पेपर रखा और मैं इंट्रो करने के लिए आगे आ गया. मैं एक काम करता हूँ, पहले भग के पीछे जाता हूँ, न्यूज़पेपर पे देखता हूँ भाई आज क्या चल रहा है न्यूज़पेपर में, लॉस सैंटोस में आजकल क्या कुछ चल रहा है वो देखते हैं भाई. तो ओके गाइज, यार न्यूज़पेपर तो भाई साहब, न्यूज़पेपर में गाइज मुझे एक चीज देखने को मिल रही है भाई साहब. न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर गाइज मैंने पूरा पढ़ लिया और गाइज न्यूज़पेपर में पता क्या देखने को मिल रहा है, लॉस सैंटोस में एक बहुत बड़ी रेस होने जा रही है जिसका विनिंग प्राइज है $10 मिलियन. गाइज अगर अपन को $10 मिलियन मिल गए ना भाई, अपने पास कितना पैसा होगा. अभी यार मुझे फटाफट से ना यार ट्रेवर से बात करनी पड़ेगी. अभी फटाफट गाइज मुझे एक ना रेसिंग कार का इंतजाम करना पड़ेगा. मैं ना भाई अभी बात कर लेता हूँ ट्रेवर से और फ्रैंकलिन से, इनके पास अगर कोई रेसिंग कार है ना इनसे लेके जाता हूँ और बहुत बड़ी रेस में हिस्सा लेता हूँ भाई. मैं बात करता हूँ यार इन दोनों से. चलो गाइज, यार मेरी इन दोनों से बात हो चुकी है. ये दोनों तो भाई ऐसे पूछने लग गए कि क्या क्यों चाहिए तेरे को इतनी तगड़ी कार, इतनी रेसिंग कार क्यों चाहिए. भाई मैंने इनको बताया नहीं है क्योंकि अगर मैं रेसिंग में इन दोनों को भी इनको बता दिया ना तो ये भी हिस्सा लेंगे तो भाई बाद में दिक्कत हो जाएगी. अपने फ्रेंड्स के साथ रेस करके हार गए वो या मैं हार गया तो दिक्कत हो जाएगी. तो मैंने इनको बताया नहीं, मैंने इनको बता दिया कि मुझे एक रेसिंग कार चाहिए. बट गाइज फ्रैंकलिन ने तो बोल दिया कि मेरे पास रेसिंग कार नहीं है. बट गाइस ट्रेवर ने ना एक चीज बताई है मुझे. ट्रेवर ने बोला है पोलिटो की साइड जाके ना एक बहुत बड़ा बिलियनर रहता है, तो तुम अगर वहां पे जाओगे ना तुम उसके पास 3 से 4 गाड़ियां जो लॉस सैंटोस में सबसे महंगी महंगी गाड़ियां रेसिंग कार्स का वो शौकीन है और उसके पास एक मतलब रेसिंग कार है. ट्रेवर ने मुझे ये तो बताया है कि भाई उस बंदे के पास रेसिंग कार है, रेसिंग कार उस बंदे के पास मिल सकती है पर उसके पास बहुत सारे बॉडी गार्ड्स हैं, तुमको उसके साथ लड़ना पड़ेगा कार छीनने के लिए. तो भाई अगर मुझे ये बात बताई है तो भाई करना पड़ेगा यार. ड्राइवर अपना कितना ख्याल रखता है. बट हाँ भाई, वहाँ से चोरी करनी पड़ेगी गाड़ी वो अलग बात है. ओ भाई बस ये भी तो देखो ना यार, अगर हम रेस जीत गए तो हमारे पास $10 मिलियन आएंगे. एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, इसी बंदे की कार छीनता हूँ और उसी बिलियनर के घर पे निकलता हूँ. मतलब मुझे अभी तक लोकेशन जो है ना वो ड्राइवर बोल रहा है, मैं थोड़ी देर में तुम्हें सेंड कर देता हूँ. लोकेशन मिलते ही भाई साहब हम उसकी बिलियनर के घर पे ना भाई हल्ला बोल देंगे और उसके पास से जाके गाड़ी चुरा के लाएंगे. उसके बाद भाई रेस हम जीत सकते हैं क्योंकि मुझे ट्रेवर ने बोला है सबसे महंगी गाड़ी उसी के पास है, वो रेसिंग कार का शौकीन है. भाई जो बंदा शौकीन होता है ना वो हर गाड़ी रखता है, आप लोग को इतनी बात तो पता ही होगी. तो चलो गाइज यार अभी मैं वेट करता हूँ ट्रेवर मुझे कब लोकेशन भेजेगा. तो चलो गाइज यार मैं अपनी भाई गाड़ी भगाता भगाता गाइज काफी दूर दूर तक आ चुका हूँ. मुझे पता है गाइस काफी लोग बंदे यही सोच रहे होंगे कि भाई तुम्हारे पास ये गाड़ी कैसे ही, तुम्हारे पास तो दूसरी गाड़ी थी. गाइस मैं रास्ते से आता जा रहा था भाई, वो एकदम से गाड़ी खराब हो गई और ये गाड़ी मुझे ना बहुत अच्छी लगी. मतलब एक बंदा लेके जा रहा था, मैंने भाई उसके हेड शॉट मारा और उससे ये वाली गाड़ी छीन ली. हाँ ये रेसिंग टाइप की गाड़ी तो नहीं है बट उससे कम भी नहीं है गाइस, बढ़िया भाग रही है. मतलब इसको भगाते भगाते मुझे कम से कम नहीं तो 5-10 मिनट लगे होंगे यहाँ तक पहुंचने में और ड्राइवर ने मुझे लोकेशन भी दे दी थी. तो चलो गाइस यार मैं आ चुका हूँ भाई बिलियनर के घर पे और ये वाली गाड़ी, और एक काम करते हैं गाइस ये वाली जो गाड़ी है ना इसको ना भाई कहीं और ही पार्क कर देते हैं क्योंकि भाई मुझे ये वाली गाड़ी तो लेके जानी नहीं है. अभी तो जो नई वाली गाड़ी हम चोरी करेंगे उसी को लेके जाएंगे. इस गाड़ी को मैं यहीं पे लगा देता हूँ, जिसका मन होगा भाई कोई भी ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है ये वाली गाड़ी. तो चलो गाइस यार अपन अंदर चलते हैं. एक काम करता हूँ पिस्टल विस्टल निकाल लेता हूँ क्योंकि अंदर ऑब्वियस है कि भाई बॉडी गार्ड्स होने ही वाले हैं. और एक काम करता हूँ गेट के जरिए नहीं जाता, यहाँ से छुपते छुपाते जाता हूँ. एक काम करता हूँ भाई साहब, एक का ओके. तो भाई साहब एकदम से बंदे आने भी शुरू हो चुके हैं, मैंने तो अभी तो कुछ कहा भी नहीं. ये रहा बंदा. तो गाइज गाइज इधर तो काफी सारे बंदे हैं भाई इधर. ओके तो ये रहा तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से, चल निकल भाई. एक तो मेरे पास तगड़ी वाली पिस्टल नहीं है यार, एक काम करता हूँ दूसरी हैवी पिस्टल लेता हूँ, इसका ना एक ही पड़ेगा निशाना. चल भाई, चल भाई साहब निकल यहाँ से. देख रहे हो भाई तड़पते तड़पते भी गोलियां चला के जा रहे हैं. ये देखो भाई तड़पते तड़पते तक भी गोलियां चला के जा रहे हैं. एक काम करता हूँ दूसरी पिस्टल, मतलब पिस्टल नहीं अब तो गन ही निकालनी पड़ेगी. ओके चल भाई साहब निकल यहाँ से.
तो भाई साहब यहाँ से यार कितने सारे बॉडीगार्ड है भाई इनके पास। ओके भाई बच गया बच गया बच गया। एक सेकंड यार ये किधर से मार रहा है भाई, कोई मार तो रहा है पैंस की तेरी, छुपते छुपाते मार रहे हो भाई। चल निकल और तू भी निकल भाई। गाइस 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 तो दिक्कत हो गई है भाई, बहुत सारे बंदे इधर तो। ओके चल निकल, एक तो मरते भी नहीं है भाई। गाइस मुझे यहाँ से कोई ना कोई गाड़ी तो लेके जानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ से गाड़ी नहीं ना लेके जाऊंगा तो भाई मैं रेस कैसे जीतूंगा भाई। रेस में $10 मिलियन मिलने वाले हैं यार अपन को। ओ भाई भाई पड़ रही है यार गोलियां पैस की तेरी। एक काम करता हूँ भाई, शॉटगन निकालता हूँ, शॉटगन से ना इनकी पुप्पी पूरी निकल जाएगी भाई। शॉटगन तो एक ही पड़नी चाहिए और भाई बंदा एक सेकंड में ही खत्म हो जाता है। ओके तो भाई अबे यार तेरे को मार रहा हूँ भाई। गाइस काफी सारे बंदे यार भाई, पागल है क्या तू? ओ भाई गाइस यार ये पागल हो चुकी है भाई ये ट्रैफिक वाले। एक काम करता हूँ यार दूसरी गन निकालता हूँ भाई, ये वाली गन निकालता हूँ। ओ भाई यहाँ पे तो काफी सारे बंदे हैं, पर अपने पास है शॉर्ट गन जो कि सिर्फ एक पड़ती है और बंदे को खत्म ही कर देती है। ओके तू कैसे बचा हुआ है? चल भाई निकल। तो गाइस 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 यहाँ पे तो मैंने काफी सारे बंदों को खत्म कर दिया है, बट मुझे एक रास्ता बना के बाहर अंदर जाना पड़ेगा भाई। बहुत सारे बंदे हैं यार, गाड़ी चुरानी है भाई किसी भी हालत में भाई। ये बंदे तो है, एक काम करता हूँ यहाँ से ना अंदर की तरफ तो धीरे धीरे चलता। ओके तो निकल यहाँ से। और कौन है भाई, कौन मार? ओके गाइस काफी सारी गाड़ियां खड़ी अंदर, निकल यहाँ से भाई। एक जेस्को खड़ी है एक तो। ओके तो जेस्को भी लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, पर पहले सब बंदों को खत्म कर दूं भाई, नहीं तो मेरे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अभी मशीन गन निकालनी पड़ेगी। ओके किया, यहाँ पे छुपा हुआ है तेरी भैंस की। चलो गाइस इसको भी मार दिया हमने, पर मुझे लग रहा है ना गाइस काफी सारे बंदे हैं यहाँ पे। एक मिनट, बंदों को सबको मारना पड़ेगा तभी हम गाड़ी लेके जा पाएंगे, नहीं तो भाई ये तो मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर वगैरह कर देंगे, फिर हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो चलो गाइस यार मुझे लग रहा है मैंने काफी सारे बंदों को यहाँ पे खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे ना बंदा एक भी दिख नहीं रहा। ओके तो है किधर किधर है तेरी भैंस की, छुप छुप के मार रहा है भाई। सब देख रहे हो गाइस छुप छुप के मारने में लगे पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गाइस हमने यहाँ पे सारे बंदों को खत्म तो कर दिया है और मुझे लग रहा है कि मैं आराम से अभी यहाँ से गाड़ी लेके जा सकता हूँ। गाइस इस बिलियनर के घर पे ना चार चार गाड़ियां हैं भाई, अगर मैं अपना ट्रेलर वेलर लेके आता ना तो मैं ये चारों गाड़ियों को लेके जा सकता था। बट अपन एक काम करते हैं, हमको जाना है रेस में, तो रेस में गाड़ी जेस्को भाई दिखती तो सुपर कार है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो गाइज इसकी जो टॉप स्पीड है ना, इसकी टॉप स्पीड जा रही है सिर्फ 300 तक, और ये लैम्बोर्गिनी इसकी टॉप स्पीड है 280। और भाई साहब रेस के लिए कभी भी रॉल्स रॉयस नहीं जाएगी। एक काम करता हूँ बुगाटी की चेक करता हूँ। भाई साहब बुगाटी की टॉप स्पीड है 480 किलोमीटर पर, क्या स्पीड से भागेगी भाई ये तो। चलो यार यही लेके निकलता हूँ भाई मैं बाहर की तरफ। तो चलो गाइज यार मैं तो भाई इसको बाहर की तरफ लेके आ चुका हूँ। और गाइज 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 ये तो कुछ ज्यादा ही स्पीड में भागती है भाई, देख रहे हो भाई? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठोक दी भाई मैंने तो यार। चलो यार कोई बात नहीं यार, वो तो हमको रिपेयर करवानी ही पड़ेगी। बट गाइज इसकी स्पीड देख रहे हो यार कितनी ज्यादा है। ओ भाई मैंने ये क्या कर दिया, ऊपर से पुलिस पीछे पड़ गई। ओ भाई, और गाइज देख रहे हो इस गाड़ी में ना एक बहुत तगड़ी चीज है, मतलब मैंने हवा में ही इसको हैंडल कर लिया, देख रहे हो हवा में हमने इसको हैंडल कर लिया भाई। और गाइस मेरे पीछे पुलिस लग चुकी है भाई, भाई ये पुलिस कहाँ से? मुझे लग रहा है ना गाइस इसके अंदर ट्रैकर लगा हुआ है भाई, मुझे इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा और इसका ट्रैकर भी निकलवाना पड़ेगा, नहीं तो भाई पुलिस हमको छोड़ेगी नहीं, पुलिस हमारे पीछे पड़ चुकी है भाई। ये देख लो गाइस अभी तो मुझे इसको पूरी स्पीड में भगाना पड़ेगा, देख रहे हो कितनी स्पीड में भाग रही है, और मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रही क्योंकि मुझे इस गाड़ी को इतनी स्पीड में भगाने के लिए पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि लिटरली गाइस इस गाड़ी की ना स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज है और मुझे ना भाई कैसे भी करके पुलिस वालों से बच के जाना पड़ेगा और इस गाड़ी को ना भाई रिपेयर करवाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस गाड़ी कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी है भाई अपनी। एक काम करता हूँ, ये देख रहे हो, एक काम करता हूँ माउंटेन वाली साइड चलता हूँ भाई, कुछ ज्यादा ही सुपर फास्ट गाड़ी है। और भाई ये हवा में ना, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हवा में ही कंट्रोल हो जाती है, तो भाई मुझे नहीं लग रहा यहाँ की तरफ पुलिस आ पाएगी। बट यार हेलीकॉप्टर पीछे ही लगा हुआ है, तो एक काम करता हूँ यहाँ पे अपनी गाड़ी भी धुल जाएगी। एक काम करता हूँ यहाँ से निकलता हूँ बाहर की तरफ,
थोड़ा ना नीचे नीचे की साइड रहूंगा ना, शायद पुलिस अपन को नहीं पकड़ पाएगी। ओके यार, पुलिस वाले तो भाई बहुत ज्यादा गंदे पीछे लग चुके हैं भाई, ये तो क्या ही बोलू यार। अब तो मैं कुछ ना कुछ करके मुझे निकलना पड़ेगा भाई। तो चलो गाइस यार, मैं तो भाई अपनी गाड़ी को पूरी भगाता भगाता ऊपर की तरफ लेके आ चुका हूँ। एक काम करता हूँ माउंटेन साइड वाली जगह चलता हूँ, यहाँ पे ना कहीं पे जाके छुपता हूँ भाई, जहाँ पे हेलीकॉप्टर भी ना पाए। देख रहे हो गाड़ी हवा से बातें करती जाती है भाई, इतनी तगड़ी कार है यार। आप लोगों को गाइस कैसी लगी ये गाड़ी मुझे कमेंट करके बताना भाई। ये देख लो पागल कैसे पीछे लगा हुआ है। तो चलो गाइस यार, अब भाई बहुत हो चुका है, ये तो भाई मेरा पुलिस वाले पीछा छोड़ने ही नहीं वाले ऐसे तो। और भाई पुलिस वाले ओ देख लो भाई गन मार रहा है भाई। तो भाई साहब ये तो ऊपर से गन वन मार रहे हैं यार, मैं फिर भी भगाता भगाता अपनी गाड़ी को ना काफी ज्यादा दूर लगा चुका हूँ, और मुझे कैसे भी करके अपनी गाड़ी को ना बस सेफ करके लेके जाना। ये देख लो भाई पुलिस वाले भाई, एक तो मैं इतनी स्पीड से इस गाड़ी को भगा रहा हूँ ना, एक तो भाई ये देख लो क्या कर रहा है ये, तेरी ऐसी की तैसी, तेरे को क्या लगता है तू मेरे को पकड़ पाएगा भाई। लिटरली ना यहाँ की पुलिस कुछ ज्यादा ही गंदी है यार, कैसे भी करके ना मुझे एक बार बस ये पुलिस वालों से दूर भागना है, और अपन को ये वाली गाड़ी जो मिल चुकी है ना इसको मैं रिपेयर भी करवाना है भाई। क्या पागल है यार, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो भाई, हर कोई बीच बीच में आके बज रहा है। देख लो भाई अभी गाइस मुझे ना इसको लहराते हुए कट मरवाते हुए लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो भाई दिक्कत खड़ी हो जाएगी यार। तो चलो गाइस यार, मैं तो अपनी गाड़ी को भगाता भगाता काफी ज्यादा दूर तक आ चुका हूँ, और ये पुलिस वाले ना अभी भी भाई मेरा पीछा छोड़ नहीं रहे हैं। और ये देख लो भाई एकदम से भगाता आता हूँ, और ये क्या करते हैं अपनी गाड़ी को ना ऐसे साइड करके टक्कर मार देते हैं, ये इनका काम है भाई, गंदे आदमी है भाई ये। तो मुझे तो भाई कैसे भी करके ये गाड़ी को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी कल होने वाली है रेस, तो मुझे रेस में यही गाड़ी को लेके जाना है। अभी कोई भी आ गया ना मैं गन ही मारूंगा भाई, ये इन्होंने दुखी करके रखा हुआ है ट्रैफिक वालों ने, दिमाग खराब कर दिया, जब मर्जी मन करता है इनका आगे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तेरी भैंस क्यों मैं बाहर निकल आया ओ भाई। तो चलो गाइस यार भाई बहुत सही रहा, ये पुलिस वाले भाई आए ही नहीं मेरे को पकड़ने के लिए, बहुत सही रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लो भाई, ये देख लो ये क्या कर रहे हैं। तो चलो गाइस यार अभी मैं अपनी गाड़ी को भगाता हूँ, और ये पुलिस वालों का ना पीछा छुड़वाता हूँ। तो चलो गाइस यार, मैं भाई अपनी गाड़ी को भगाता भगाता काफी ज्यादा दूर तक आ चुका हूँ, और पुलिस अपना साथ छोड़ चुके हैं। मैं रास्ते से जब आ रहा था मैं एक जगह मुझी मुझे, और उस जगह पे मैं छुप गया, उसके बाद पुलिस ने अपना साथ छोड़ दिया। बट अभी मुझे लग रहा ज्यादातर पुलिस अपना साथ छोड़ पाएगी, क्योंकि मुझे इस गाड़ी को ना जल्दी जल्दी फटाफट से ना रिपेयर करवाना पड़ेगा, और इसके अंदर लगा हुआ है एक ट्रैकर, तो मुझे उस ट्रैकर को भी बाहर निकलवाना पड़ेगा। बैनी को मैंने फोन किया, पर बैनी गया हुआ है लिबर्टी सिटी कुछ गाड़ियां वाड़ियां देखने के लिए अपने शोरूम के लिए, भी बैनी तो नहीं आ पाएगा। तो मुझे ना भाई किसी तो मुझे ना गाइस किसी छोटी मोटी मैकेनिक के पास ही जाके अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाना पड़ेगा, और इसके अंदर जो भी ट्रैकर लगा हुआ ना उसको निकलवाना पड़ेगा। तो चलो गाइस मैं फटाफट अपनी गाड़ी को भगाता हूँ, और जल्दी से निकलता हूँ लॉस सैंटोस कस्टम्स में। ओके गाइस, मैं अपनी गाड़ी को भगाता भगाता गाइस काफी ज्यादा दूर तक आ चुका हूँ, और यहाँ पे ना थोड़ा सा आगे जाके मुझे लॉस सैंटोस कस्टम में जाना, और गाड़ी तो कुछ ज्यादा ही सुपर स्पीड में भाग रही है भाई। गाड़ी तो लिटरली अगर ऐसी गाड़ी हो ना तो भाई अपन ही रेस जीतेंगे भाई, पक्का हो गया ये तो। तो चलो गाइस यार ओके, तो मुझे हाँ हाँ यहीं पे गाड़ी लेके जानी है। ओ भाई ये भी ठोक ली यार गलती से, तो चलो यार यहाँ से रिपेयर करवा लेते हैं। चल भाई मैकेनिक गाड़ी को भी तगड़ा तगड़े तरीके से रिपेयर कर दे। चलो गाइस गाड़ी तो रिपेयर हो चुकी है, उसके अंदर का ना मैं ट्रैकर निकलवा लेता हूँ अभी। ओके गाइस, अपनी गाड़ी जो है ना नहीं जैसी बन के बाहर आ चुकी है, जैसे हमने अभी शोरूम से निकलवाई हो, और इसका जो ट्रैकर है ना वो भी निकल गया। बट भाई मैंने एक गलती कर दी गाइज, मैं ना इसका कलर भी चेंज करवा देता हूँ, ट्रैकर निकलवा दिया कलर चेंज करवाना भूल गया। तो चलो यार मैं फटाफट से कलर भी चेंज करवा लेता हूँ, कलर चेंज करवाने के बाद पुलिस वाले तो कभी अपन को पकड़ ही नहीं पाएंगे यार। तो चलो गाइज यार, मैंने अपनी गाड़ी को कलर तो करवा लिया, और मुझे पता है कई लोग बोलने वाले हैं कि भाई तूने क्या टट्टी कलर करवाया, येलो के ऊपर ब्लू कहाँ अच्छा लगता है। भाई मैं सही में बता रहा हूँ गाइज, ये इसीलिए करवाया गया है ताकि पुलिस वाले अपन को पहचान ही ना पाए। मैं मान रहा हूँ भाई गाड़ी का कलर इतना बढ़िया नहीं लग रहा होगा, मुझे पता है, बट थोड़े टाइम के बाद हम करवा लेंगे जब पुलिस वाले अपनी गाड़ी का पीछा छोड़ देंगे। तो चलो गाइस यार अपनी गाड़ी को भगाता हूँ, और जल्दी से निकलता हूँ माइकल के घर की तरफ। तो गाइस अभी ना मुझे अपनी गाड़ी को ना बड़े ध्यान से लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर भाई बच गया यार, नहीं तो भाई ठुक जाती अपनी गाड़ी फिर से। ये तो बहुत स्पीड से भागती है गाइस गाड़ी, इसकी टॉप स्पीड ना 480 की है भाई, आप हिसाब लगा लो जब रेस होगी ना तब तो इसको मैं पागलों की तरह भगाने वाला हूँ इस गाड़ी को। तो यार चलो यार, अपन तो भाई अपनी गाड़ी लेके अपने घर पे आ चुके हैं, एक काम करता हूँ ओके, तो सामने वाले गैराज पे अपनी गाड़ी को अंदर पार्क कर देता हूँ, ताकि किसी को ध्यान न जाए, और उसका जो गैराज का जो गेट है ना उसको लॉक कर देता हूँ। चलो यार भाई साहब, अपन को गाइस
बहुत ज्यादा तगड़ी गाड़ी मिल चुकी है। एक मिनट इसको ना मैं अभी पहले लॉक कर लेता हूँ गेट को। तो चलो गाइज यार, इसका जो डोर है ना वो भी मैंने लॉक कर दिया, अपनी गाड़ी अंदर सेफ है। अभी कल होने वाली है लॉस सैंटोस में एक बहुत बड़ी रेस जिसका विनिंग प्राइस है $10 million का। बाकी गाइज आप लोग को ये वाली सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मुझे क्या क्या करना चाहिए गाइज वो सुझाव आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और आप लोग को मैं आप लोग की स्टोरी के साथ मैं चलूंगा भी और आप लोग को एक शाउट आउट भी दूंगा। तो चलो गाइज यार मिलते हैं गाइज ऐसी तगड़ी धमाकेदार वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय।